मैं सिर्फ आरडीपी के बारे में बात नहीं, दीज़ार ऑल सब चीज़ों में मैं सब चीज़ें जो है मैं बैठा हूँ ऊपर तो ऊपर ही बैठा उसके। आई एम द ओनली सिंगर जिनको पंचमदा ने ब्रेक दिया, शानुदा ने पहले भी गाना गाया था। हाँ नहीं, लेकिन ब्रेक नहीं दिया, ब्रेक तेरे से ब्रेक, तेरे से ब्रेक। पंचमदा ने एक ही सिंगर को ब्रेक दिया, इवन नॉट इवन अमित कुमार वॉज अ सिंगर। सपन जगमोहन कल्याण जी का गा चुके थे, फिर बाद में बालिका वधू। आई एम द ओनली सिंगर पंचमदा के उसमें जिसने किसी को ब्रेक दिया, दैट वॉज ओनली मी। सो मेरे लिए दुनिया भर के कितने भी अवार्ड हों, अगर वो चीज़ आज दिखता तो मेरे लिए इससे बड़ा अवार्ड एक सिंगर के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता कि आई एम पंचमदास डिस्कवरी। सो इससे बड़ा मेरे, इसीलिए अगर कोई कहे मुझे एटीट्यूड है तो दैट इज़ द ओनली रीज़न। मे बी इट्स फॉर अदर पीपल इट्स अ स्मॉल रीज़न, फॉर अ सिंगर कम्युनिटी दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट कि किसी को आर डी बर्मन ब्रेक दे। दम मारो दम को छुआ और दम मारो दम को रिमिक्स किया, ऐसे लोगों को सबसे पहले परमवीर चक्र मिलना चाहिए। और जो सुन रहे उसको भी सारे जितने मरणोपरांत जो बहादुरी का अवार्ड है इसके लिए उनको बहादुरी का अवार्ड देना चाहिए परमवीर चक्र, जो पंचम ने के गानों के रिमिक्स करते हैं ये बहादुरी के लिए मिलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, उनकी बहादुरी के लिए। लेकिन उनके गानों को छूना मतलब बोलते यहाँ पे भी कुछ ह्यूमन राइट्स में नहीं, अगर होना चाहिए ह्यूमन राइट्स वाले नहीं मानते तो फिर ऐसे लोगों को कंप्लेंट पेटा में करना चाहिए इनके खिलाफ। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आर डी बर्मन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर को इंटरनेशनल जो सो मैनी अवार्ड जो आजकल आप नाम लेना चाहते हैं, आई डोंट गिव एनी क्रेडिट, आई डोंट रिकोगनाइज दैम, जिसने कभी आर डी बर्मन के म्यूजिक को नहीं पहचाना, वेदर इट्स अ ग्रैमी और इट्स ऑस्कर। अगर तब नहीं था क्या, अगर आर डी बर्मन के म्यूजिक को नहीं पहचाना तो किसका, तो फिर आपने किस के बारे में बात कर लिया, क्या किया आपने? अगर आर डी बर्मन के म्यूजिक को नहीं पहचानते तो आई डोंट गिव देम दैट क्रेडेंशियल, वो कोई क्रेडिट ही नहीं देता, कोई क्रेडेंशियल नहीं देता ऐसे अवार्ड को।